नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं CNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर राज्य में सियासी उथल पुथल का दौर जारी है। बुधवार को मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गईं। इससे पहले योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। दिलचस्प यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य बदायूं से भाजपा सांसद हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में शामिल होने के बाद संघमित्रा मौर्य को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में कयासबाजी का दौर शुरू हो गया था। इसको लेकर तरह तरह के बयान सामने आए थे। अब अपर्णा यादव के भाजपा में शामिल होने के बाद संघमित्रा मौर्य ने फेसबुक पोस्ट लिखा है। इसमें उन्होंने सवाल उठाया कि क्या बहन बेटी के भी जाति या धर्म होता है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर हर दिन नए सियासी समीकरण बन रहे हैं। बुधवार 19 जनवरी 2022 को मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव भाजपा में शामिल हो गई। समाजवादी पार्टी के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं अपर्णा यादव के भाजपाई होने पर सपाई हुए स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और बदायूं से भाजपा सांसद संघमित्रा ने फेसबुक पोस्ट किया है। शब्द अच्छा है लेकिन संस्कार है किसके अंदर। हफ्ते भर पहले एक बेटी का पिता पार्टी बदलता है तो पुत्री पर वार हो रहा था। आज वही एक बहू अपने चचेरे भाई के साथ एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आती है तो स्वागत। क्या इसको भी वर्ग से जोड़ा जाना चाहिए कि बेटी पिछड़े वर्ग की है और बहू अगड़े वर्ग से है। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN न्यूज़।